सचिन पायलट ने राहुल प्रियंका से की मुलाकात। क्या राजस्थान में भी कांग्रेस चलेगी पंजाब का दांव? और भारत पाक बॉर्डर पर कहां खेत में मिला बम? महाराष्ट्र एटीएस ने किन दो आतंकियों की मांगी रिमांड? और देश में कोरोना के कितने नए मामले? राष्ट्र की सभी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कल दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजस्थान के सियासी हालात को देखते हुए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों के हालात पर नजर डालें तो पायलट और गहलोत कैंप के नेताओं के बीच जुबानी जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में माथापच्ची जारी है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल राहुल गांधी से मिले। इस दौरान पार्टी नेता हरीश रावत और अजय माकन भी मौजूद रहे। देर रात तक मंथन चलता रहा। चन्नी कल शाम को ही दिल्ली पहुंचे थे। ये 4 दिन में उनका तीसरा दिल्ली दौरा है। फिल्मों की शूटिंग और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में कल हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया। 5 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करगिल में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह के साथ किया गया। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा से बड़ी खबर है। यहाँ नगी चेकपोस्ट बॉर्डर के नजदीक एक किसान को अपने खेत में बड़ा बम मिला है। सूचना मिलने पर श्रीकरणपुर पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंची और बम को चारों तरफ से मिट्टी की बोरियों से घेर दिया। सेना की टीम को भी बुलाया गया है। देश में बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों जाकिर हुसैन और रिजवान मोमिन को महाराष्ट्र एटीएस ने विशेष अदालत से रिमांड पर मांगा है। कल एटीएस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दोनों आतंकी 4 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई की टीम महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलबीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक ईमेल आईडी के फुटर पर लिखे गए स्लोगन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ पीएम के फोटो को हटाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एनआईसी को कहा है कि वह इस नारे को हटाए और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट की इमेज को रखे। बिहार के आईआईटीएन शुभम कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा में 2020 में पहली रैंक हासिल की है। शुभम कुमार ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है। वहीं जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। जागृति और अंकिता दोनों एमपी की रहने वाली हैं। जागृति ने एमएनआईटी भोपाल से बीटेक किया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30,000 से कम नए केस सामने आए हैं। वहीं करीब 28,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच 291 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के 294,000 एक्टिव केस हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।